झारखंड प्रदेश के हजारीबाग जिले का बड़का गांव प्रखंड, जिसे 2014 से पहले धान का कटोरा कहा जाता था। इस प्रखंड में रहने वाले हर कोई कृषि कार्य से जुड़े हुए थे। यहां वैसे लोग भी कृषि कार्य से जुड़े थे जिनके पास अपनी जमीनें नहीं थी। वे लोग बड़े किसानों की खेतों में मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे। इस प्रखंड से हरी सब्जियों का निर्यात देश के दूसरे प्रदेशों में किया जाता था। लेकिन हजारीबाग जिले का सबसे बड़ा अनाज उत्पादन करने वाला प्रखंड बड़का गांव अब अपनी पहचान खो चुका है। बड़का गांव को शायद काले कोयले की नजर लग चुकी है। ये बड़का गांव जो क्षेत्र है वो धान का कटोरा के नाम से यहाँ का गुड़, यहाँ का सब्जी, यहाँ का चावल बहुत ही फेमस है। गुड़ तो यहाँ का नहीं, यहाँ का टमाटर, यहाँ का सब्जी कोलकाता, पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार, हर जगह जाता है सर। एनटीपीसी को बड़का गांव प्रखंड में 39 वर्षों तक कोयला खनन करने का पट्टा मिला हुआ है। एनटीपीसी यहां त्रिवेणी सैनिक नामक कंपनी से कोयले का खनन कार्य करवा रही है और अपने 12 परियोजनाओं में कोयले की आपूर्ति करती है। पहले फेज में कुल 8 गांव हैं, जिनमें उरूब, चिरुडी, बरवाडी, इतीज, सोनवर्षा, चुरचू, ऊपरदाड़ी और नगड़ी में कोयला खनन किया जा रहा है। कंपनी ने जमीन ले लिया, जगह जगह पर डैम बना दिया, कोयला निकाल रहा है, गर्दा ही गर्दा है। तो बड़का गांव प्रखंड के 23 पंचायतों में कुल 86 गांव हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हजारीबाग जिले के बड़का गांव प्रखंड में कुल जनसंख्या 1,36,839 है। यहां के 96% लोग गाँव में निवास करते हैं और 94% लोग खेती करते हैं। यहाँ की जमीनें बहुफसली जमीनें हैं जिसमें साल भर खेती होती है। 2014 तक यहाँ के किसान प्रखंड से होकर गुजरने वाली पकवा नाला नदी के पानी से सिंचाई कर खेती किया करते थे। इसके अलावा हर गांव में 2-3 तालाब थे। मात्र 25 फीट की खुदाई करने पर ही कुआं से पानी निकल आता था। दाढ़ी कला गाँव के मुखिया इलियास अंसारी और जुगरा गांव के किसान सह शिक्षक रामदुलार साव बताते हैं कि कोयले का खनन शुरू होने के बाद से कृषि में 90% की गिरावट आई है। खेती तो उजड़ गई, गिरावट की क्या बात है, खेती तो उजड़ गई सर। बगल में आप जाइए, नदी जो सालों भर चलती है, जिसको हम लोग पकवा नाला कहते हैं, पकवा नदी कहते हैं, इससे ऊपर चले जो चिरुडी का जो जल स्रोत जिसके बारे में दोन मोहनवा नाला है, वो जीवनदानी कहलाता था, जीवनदानी नदी बोलते थे उसको। उसमें सालों भर बारिश होती थी और वो नदी से आपका चुरचू, सनबरसा, इतीज, सन आपका नगड़ी, सिंधवारी, टोटल सिंचाई होता था, वो नदी ही गाव कर दिया। पूर्व में अपनी जमीनें बचाने के लिए बड़का गांव के किसानों ने कई बड़े आंदोलन किए, लेकिन बंदूक के बल पर आंदोलनों को कुचल दिया गया। एनटीपीसी ने यहां के राजनेता, स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन के सहयोग से किसानों पर जुल्म ढाना शुरू किया। आंदोलन के क्रम में कई आंदोलनकारियों को मौत के घाट उतार दिया गया। यहाँ के लोग शांतिपूर्ण तरीके से खेती कर अपना जीवन चलाया करते थे। एनटीपीसी ने यहाँ के युवाओं को लालच देकर आपसी फूट डलवा कर इनकी प्रेम भावनाओं को खत्म किया। ये कंपनी आने के बाद यहाँ के जो 18 साल, 15 साल, 20 साल के बच्चों जो हैं, उनको इस प्रकार से कंपनी वाला लोभ लालच दिया और इनके हैबिट में फ्री में खाना खिलाना, फ्री में पैसा देना, फ्री में नशा युक्त सामान इन लोगों को प्रोवाइड कराया गया और इन लोगों को इतना माने नशीली बना दिया गया कि यहाँ के शिक्षा पर बुरा प्रभाव पड़ गया। इन लड़कों का अपने ताकत के बल पर उपयोग करती है कि हमको और आपको लड़ाना है, हम कानून से बात कर रहे हैं तो अच्छा ठीक है, तो कानून से कंपनी हमेशा कभी भी टच करते ही नहीं है, क्योंकि कानून का वो फेल्योर है। कानून जो जिस कानून को वो बनाता है वही कानून को उन्होंने उल्लंघन करता है। तो करता है क्या कि इन लड़कों का एक समूह गैंग बना लिया है जिसको पिया खिया के आपके ऊपर छोड़ देगा, ज्यादा बोलेगा तो मारपीट में होता जा। उसके बाद प्रशासन भी कंपनी का है, वही लड़का लोग से, आप मेरे ही गाँव का लड़का लोग से हमारे ऊपर FIR करा देगा प्रशासन के बल पर। मतलब कुल मिला के संवैधानिक मूल्य का भी उल्लंघन, बहुत बहुत संवैधानिक मूल्य ही नहीं, यहाँ तो बिल्कुल बचा ही नहीं है संवैधानिक मूल्य। दाढ़ी कला गाँव के मुखिया मोहम्मद इलियास बताते हैं, खनन के दौरान यहाँ की 2-4 नदियों को बंद कर देने के कारण लोगों के सामने पानी की समस्या खड़ी हो गई। किसानों की खेती किसानी बंद हो गई, दुधारू पशुओं को पालना लोग छोड़ चुके हैं। दाढ़ी कला गाँव में 100 फीट बोरिंग करने पर भी पानी नहीं निकल रहा। सरकार ने पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए
राशि आवंटित की है उस राशि से गांव में एक भी जल मीनार नहीं बनी, क्योंकि सरकार की ओर से मात्र 250 फीट की बोरिंग करने की राशि ही आवंटित की गई थी। जिन गांवों में जल मीनार बनी है और घरों में जलापूर्ति की जाती है वे जल मीनार बंद पड़ी हैं, क्योंकि पानी का जल स्तर काफी नीचे जा चुका है। जब से मेंस खुला है तब से पानी यहाँ पे नहीं आ रहा, पहले पानी आता था, जब से मेंस खुला है जब वो पानी का लिए पूरा नीचे चला गया, आसपास के कुआं तक से भी पानी खत्म हो गया। बड़का गांव प्रखंड अपने गुड़ के लिए काफी मशहूर था, यहाँ से गुड़ की आपूर्ति दूसरे प्रदेशों के साथ साथ विदेशों तक जाती थी। इस प्रखंड के किसान 125 से 150 हेक्टेयर जमीन में गन्ने की खेती किया करते थे। हर गांव में 4-5 गुड़ बनाने का लघु उद्योग स्थापित था। जब से यहां कोयले का खनन शुरू किया गया दिन प्रतिदिन जल स्तर नीचे जाने लगा। गन्ने की खेती कम होने का दूसरा कारण है कि अब जमीनों से कोयले का खनन किया जा रहा है। पहले ही इलाका में बहुत गन्ना होता था, एक गाँव में 2-3 गो गन्ना रस निकालने का मिल रहता था, अभी तो एगो है, अभी भी 25% होता है। बड़का गांव से उधर कोलवरी खुल गया तो उधर खेती कम हो गया है। किसान सह शिक्षक रामदुलार साहू बताते हैं कि जब से इस क्षेत्र में खनन शुरू हुआ है यहां लोगों की स्थिति बद से बदतर हो गई। कंपनी किसानों की उपजाऊ जमीन लेकर परिवार के एक सदस्य को मात्र 10 से 15 हजार रुपए की नौकरी देता है, जिससे वे अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से नहीं कर पाते। वे व्यक्ति कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, जबकि खनन से पूर्व कृषि कार्य करके पूरे परिवार का भरण पोषण बहुत आसानी से होता था। परिवार के सभी लोग मिलकर खेती करते थे, जिससे हर हाथ में काम था। जमीनें चली गई, नौकरी में सीमित पैसा है, अब उन्होंने कर्ज उतार ही नहीं पा रहा, जिसके कारण से आज उन लोगों को, हम लोग तो अभी भी ठीक है, उन लोगों को इससे भी जो नौकरी कर रही है वो हम लोग से भी बदतर स्थिति है उनका। चाचीरूढ़ी के लोगों से हम मिले हैं, इतिज के लोगों से मिले हैं, सनबरसा के लोगों से मिले हैं, सिंधवारी के लोगों से मिले हैं, जो विस्थापित हो गए हैं उन लोगों से मिले हैं कि पहले की स्थिति और अभी की स्थिति आपकी क्या है। बोलता है भैया पहले हम ठीक थे लेकिन अभी ठीक नहीं है। हम इसका कारण क्या है, बोलता है भैया पहले हम लोग सब परिवार मिल के खेत में काम कर लेते थे और बढ़िया इनकम होते थे, आज हमको एक परिवार काम करना पड़ा, बाकी 4 परिवार घर में बैठे हुए हैं और वो 4 परिवार को हमको खिलाना पड़ रहा है, और कल हम लोग 5 परिवार मिल के काम कर लेते थे खेत में। नगड़ी गांव के किसान मोहम्मद मुस्लिम बताते हैं कि पूर्व में एनटीपीसी के साथ बातचीत हुई थी, जिसमें इस बात की सहमति बनी थी कि जब तक पूरा गांव खाली नहीं हो जाता तब तक कब्रिस्तान को क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी। लेकिन बीते 26 फरवरी को रात के अंधेरे में लगभग 12 बजे खनन कंपनी के लोग पुलिस के साथ चोरों की तरह पहुंचकर कब्रिस्तान के ऊपर बुलडोजर चला दिए। हम लोग सोए हुए थे, जबकि पहले कंपनी ने बोला गया था कि जब तक हम लोग यहाँ रहेंगे तब तक ले कब्रिस्तान करबला किसी तरह से मशीन वगैरह मतलब हाथ मत लगाइए, हम लोग विस्थापित होंगे उसके बाद मतलब इसका प्रक्रिया मतलब ये किया जाएगा, एक घर भी रहेगा तब तक कब्रिस्तान मतलब नहीं टूट सकता, समझे ना। तो 26 तारीख के रात में मैंने कंपनी जो है चोर के जैसा मतलब 12 बजे रात जा करके पुलिस प्रशासन दे करके और जा करके मतलब तोड़ने लगा, चारों तरफ से मशीन भिड़ा दिया। कुल मिलाकर जहाँ जहाँ खनन हो रहा है वहाँ की विस्थापित और प्रभावित लोगों का विनाश हो रहा है। ये कह सकते हैं कि विकास की नींव का निर्माण क्षेत्र के मनुष्य जीव जंतु और पर्यावरण का विनाश करके किया जा रहा है। इस विनाश को रोकने के लिए सरकार ने कई नियम कानून बनाए हैं, लेकिन इन नियम कानूनों को दरकिनार कर संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए विकास की नींव रखी जा रही है, जिसका परिणाम आने वाले समय में काफी घातक सिद्ध होगा।